जिला मंडी के सुकेत देवता मेले के इतिहास में पहली बार मेले के शुभारंभ पर देवताओं की जलेब निकाली जाएगी, जिसमें से करीबन 186 देवी देवता भाग लेंगे। ये जलेब उस धार्मिक स्थान से निकाली जाएगी जिस स्थान से सुकेत रियासत सुंदरनगर का नाम पड़ा। सुकेत शरभ देवता कमेटी ने सुखदेव ऋषि की तपोस्थली सुखदेव वाटिका में मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कारदार संघ के पदाधिकारियों द्वारा सुखदेव वाटिका में देवताओं के बैठने के स्थान चिन्हित करने के बारे में चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सुखदेव ऋषि की तपोस्थली से देवता मेले की जलेब आरंभ होगी। इससे पूर्व ये जलेब पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस से चलकर 100 कदम दूर मेला ग्राउंड में सम्पन्न हो जाती थी। आम सभा में पारित इस निर्णय का आम जनता भी स्वागत कर रही है, जिससे सुखदेव ऋषि की तपोस्थली भी विकसित होगी। गौरतलब है कि सुखदेव वाटिका में गुफा से ऋषि सुखदेव हर तीसरे दिन हरिद्वार स्नान करने जाते थे। वर्तमान में ये गुफा बदहाली के आंसू बहा रही है, जिसे सरकार हो या फिर भाषा एवं संस्कृति विभाग कोई भी सहेज नहीं पाया है। गुफा के विकसित होने से पर्यटन को भी 4 चांद लगेंगे और प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बैठक को संबोधित करते हुए सुकेत सर्व देवता कारधार संघ के प्रधान अभिषेक सोनी ने कहा कि सुखदेव वाटिका में देवताओं के शुभारंभ अवसर पर बैठने के स्थान चिन्हित किए जाएंगे, जिस पर प्रशासन के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और पहली शोभा यात्रा धूमधाम से बाजार से होते हुए निकाली जाएगी। इस मौके पर जयराम रूपलाल श्यामलाल आचार्य रोशन सुरेश शर्मा राम सिंह चौहान दुनीचंद धर्मदेव इत्यादि मौजूद रहे। आज सुकेत सर्व देवता कमेटी कारदार संघ ने सुखदेव वाटिका, जिसे सुकेत रियासत का नाम पड़ा हुआ है, उसकी तपोस्थली पे आके यहाँ पे आज एक विजिट किया है, क्योंकि इस बार जो देवता आम सभा मेले की थी उसमें निर्णय लिया गया था जो देवता मेले की पहली जलेब होगी वो सुखदेव वाटिका से निकाली जाएगी। ये इतिहास में प्रथम बार है जिस सुकेत का नाम सुखदेव ऋषि से पड़ा हुआ है उसकी तपोस्थली से यह जलेब निकलेगी और भव्य जलेब होगी। इसके लिए कारदार संघ ने यहाँ पर मुआयना किया तथा देवी देवताओं को बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए अपने स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसको प्रशासन के साथ रखा जाएगा और इनको अमल में ला के देवताओं के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। इसमें हमारे पास 186 देवी देवता हैं, जिसमें हमारे पास प्रमुख महामाया रहेगा, उसमें बाद हमारे पास मूल मोहनाग बुखारी जी हैं, कमरूनाग जी हैं, बाड़ादेव जी हैं, उनके साथ अन्य भी बड़ी योगी देवता हैं, अन्य जितने भी प्रमुख देवी देवता हैं वो सारे के सारे यहाँ से विधिवत जो मुख्य अतिथि होंगे वो पूजा पाठ करके वहाँ जलेब को शुभारंभ करके वहाँ से रवाना होंगे।